नमस्कार दोस्तों, आप सबका चैनल में एक बार फिर स्वागत है। आज हम लोग जिस टॉपिक पे वीडियो बनाने जा रहे हैं, आज के इसका वीडियो आप देख रहे हैं, ये ऐसा टॉपिक है जिसमें हर किसी एग्जाम में एक क्वेश्चन फंसना जरूर होता है या इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। ये चीज पैटर्न जो मैं आपको बता रहा हूँ जिस क्वेश्चन के बारे में, जिस टॉपिक के बारे में, ये मैं पैटर्न देख चुका हूँ। आप चाहे यूपीपीसीएस, यूपी SSC और या फिर आप स्टेट के जितने एग्जाम होते हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट के एग्जाम होते हैं, जितने भी स्टेट वाले होते हैं, उनमें आप देखेंगे हर दूसरे तीसरे पेपर में आपको एक ना एक क्वेश्चन इस टॉपिक से मिल जाएगा। और ये टॉपिक इतना आसान है कि जहां पर आप 30-35 क्वेश्चन याद करके आप इस क्वेश्चन को एक सही कर सकते हैं। तो आज हम लोग इसको दो पार्ट में करेंगे। पहला है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पोर्ट्स ऑफ वर्ल्ड यानी वर्ल्ड दुनिया के बंदर का। पहला जो हम लोग यहाँ वीडियो बन देख रहे हैं यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दुनिया के पोर्ट्स के। इसके नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा जहाँ पर इंडिया के पोर्ट्स के बारे में बताऊंगा। इंडिया के पोर्ट्स ज्यादा नहीं है, सिर्फ 13 है और वर्ड्स के अगर आप देखे जाए तो 20 है। यहाँ पर मैं आपको स्टार्टिंग में एक चीज बता दूं कि मैक्सिमम पोर्ट जो वर्ल्ड के हैं, जो अच्छे पोर्ट हैं, जिनका नाम पूछा जाता है या कह सकते हैं दुनिया के टॉप वाले हैं, वो चाइनीज हैं। आपको पता है कि चाइनीज जितने भी नेम होते हैं थोड़े अलग टाइप के होते हैं। तो आपको करना क्या है कि आपको पता है कि 7 से 8 जो पोर्ट हैं आपके चाइना में हैं, उस टाइप में प्रोनाउंशिएट किए जाते हैं। 2-3 ऐसे भी पोर्ट हैं जो आपके मलेशिया या वियतनाम या इस साइड में हैं, तो आप उनका प्रोनाउंशिएशन थोड़ा चाइनीज की तरह होता है, लेकिन पोर्ट अलग है। आपको खाली वही 2-3 याद कर लेना है, तो बाकी आप जब भी इस टाइप के पोर्ट देखेंगे तो ऑटोमेटिक आप चाइना टिक करके आए, आपको ये इस तरह से आसानी हो जाएगी। ये मैंने आज स्टार्टिंग में आपको ट्रिक बता दी। आइए हम लोग अब शुरू करते हैं इस टॉपिक को। अब सबसे पहले बात करते हैं दुनिया का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। दुनिया का सबसे बड़ा बंदरगाह है पोर्ट ऑफ शंघाई। ये शंघाई जो है वो चाइना में है। ये वही सिटी है जहां पर ब्रिक्स बैंक यानी नेशनल डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर भी है। और ये जो बंदरगाह है ये दुनिया का सबसे बड़ा है और एशिया का भी। अब हम बात करते हैं दूसरा और मोस्ट सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला पोर्ट, वो है यूरोप का। यूरोप का पोर्ट कौन सा है? रोटरडम। रोटरडम पोर्ट कहाँ पर है? ये नीदरलैंड में है। और इसके बाद हम बात कर रहे हैं अमेरिका। अमेरिका के सबसे बड़ा पोर्ट कौन सा है? ये पोर्ट ऑफ लॉस एंजल्स है। इसके बाद ऐसे क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन जब भी एग्जामिनर को लगता है क्वेश्चन थोड़ा सा टफ बनाना है तो ये इस टाइप के पोर्ट पूछ लेता है जो कम रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा पोर्ट हेडलैंड है, ये आपको याद होना चाहिए, हो सकता है आपने इसको पहली बार सुना हो। इसी तरह अफ्रीका का सबसे बड़ा पोर्ट ऑफ रिचर्ड बेज है यानी साउथ अफ्रीका में। आइए इनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पोर्ट को, जब हम मापते हैं तो हम लोग कौन सी यूनिट करते हैं, मतलब कौन सा बड़ा पोर्ट होगा, ये कैसे आप मेजर करते हैं। इसकी यूनिट होती है TEU। इसको हिंदी में नहीं बोल सकते क्योंकि इंग्लिश का ही टर्म है। अब ये TEU की फुल फॉर्म क्या होती है? 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट। 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट बेसिकली जो आपका कार्गो कंटेनर होता है, बड़ा सा आपने देखा होगा, लोहे का डब्बा होता है जो क्रेन की मदद से शिप्स पर चढ़ाया जाता है या उतारा जाता है, ये उसकी डायमेंशन है, उसका वॉल्यूम है 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट, और इसी को TEU कहते हैं। ये आप याद करें, हो सकता है ये क्वेश्चन आज नहीं तो कल किसी पेपर में पूछ लिया जाए। अब बात करते हैं बिजनेस या सबसे बड़े पोर्ट्स के बारे में। तो सबसे पहला पोर्ट आपका पोर्ट ऑफ शंघाई है, कि दुनिया का सबसे बड़ा पोर्ट है और दुनिया का सबसे बड़ा ऑटोमेटेड कंटेनर टर्मिनल है। ये दोनों बातें आपको किसके बारे में याद रखनी है? पोर्ट ऑफ शंघाई के बारे में। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा दुनिया का सबसे बड़ा पोर्ट ऑफ शंघाई, दुनिया का सबसे बड़ा ऑटोमेटेड कंटेनर या स्वचालित कंटेनर टर्मिनल कहां पर पाया जाता है? पोर्ट ऑफ शंघाई में। इसके बाद जो सेकंड नंबर पे आता है वो पोर्ट ऑफ सिंगापुर है। इसमें आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं कि सिंगापुर कंट्री के अंदर ही पाया जाता है। इसकी खासियत है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। ट्रांसशिपमेंट की मैंने यहाँ हिंदी इसलिए नहीं लिखी क्योंकि ये इंग्लिश में ही आए। ट्रांसशिपमेंट ये होता है कि अगर आपको सामान किसी एक जगह से दूसरी जगह तक भेजना हो और दूरी काफी ज्यादा हो तो बीच में आपको कहीं हो सकता है कि सामान एक्सचेंज करना पड़े या कहीं थोड़ी देर के लिए रोकना पड़े, तो उसी जगह को, उस टाइप के पोर्ट्स को हम लोग ट्रांसशिपमेंट पोर्ट कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 3 क्वेश्चन हो गए, दुनिया का सबसे बड़ा पोर्ट,
पोर्ट ऑफ शंघाई दुनिया का सबसे बड़ा ऑटोमेटिक टर्मिनल कहाँ पर है? पोर्ट ऑफ शंघाई में दुनिया का सबसे लार्जेस्ट ट्रांसशिपमेंट पोर्ट कहाँ पर है? सिंगापुर में। इसके बाद एक आता है पोर्ट ऑफ शेंजन। पोर्ट ऑफ शेंजन एक ऐसा पोर्ट है जहां पर दुनिया का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक और टेक्निकल सामान जाता है। इलेक्ट्रॉनिक यानी मोबाइल, आपके लैपटॉप हो गए, ये किस पोर्ट से ट्रांसफर होते हैं? ये आपके पोर्ट ऑफ शेंजन यानी चाइना से कहते हैं। पोर्ट ऑफ शेंजन की लोकेशन देखेंगे तो आपकी जो सिटीज हैं जहां पर इलेक्ट्रॉनिक सामान चाइना में बनता है, ये उनके सबसे नजदीक है, इसलिए यहां से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक सामान वर्ल्ड में ट्रांसफर होता है। अगला होता है पोर्ट ऑफ निबो जुशान, ये भी चाइना में। आप इसको बस कैसे याद रखिए, जो मैंने वो स्टार्टिंग में ट्रिक बताई थी, हम आगे कुछ पोर्ट देखेंगे जिनके नाम इस टाइप के होंगे लेकिन वो चाइना में नहीं होंगे। आप खाली अगर उनको याद रखेंगे इन स्टार्टिंग के स्पेशल पोर्ट्स के अलावा, तो आप आसानी से गेस कर सकते हैं कहाँ पे है। अगला होता है पोर्ट ऑफ ग्वांगजाओ चाइना, ये भी चाइना में पड़ता है, पोर्ट ऑफ ग्वांगजाओ। इसके बाद ये जो पोर्ट है, आपको मैं जैसे बोला था इनका नाम थोड़ा अटपटा लगेगा लेकिन ये चाइना में नहीं है, उसमें सबसे पहला पोर्ट है पोर्ट ऑफ बुसान। ये आपको मैं बताऊं कि 2018 के इलाहाबाद हाई कोर्ट के एआरओ के पेपर में ये सेम क्वेश्चन वहां पर आया हुआ था। ये मैंने क्योंकि कुछ पेपर्स में के थ्रू गया हूँ तो वहां पर मुझे ये चीज पता चली उनको देखने के बाद। तो पोर्ट ऑफ बुसान पाया जाता है साउथ कोरिया में। पोर्ट ऑफ हांगकांग सबको पता है, हांगकांग जरूर ये चाइना का पार्ट है लेकिन ये इंडिपेंडेंट पोर्शन है इसलिए इसको सेपरेट ही माना जाता है, पोर्ट ऑफ हांगकांग। इसके बाद पोर्ट ऑफ किंगडाओ, ये भी चाइना में है। इसके बाद पोर्ट ऑफ तियानजिन, तियानजिन ये भी चाइना में है। अब एक बहुत अच्छा पोर्ट आता है जो आता है आपका यूएई। यूएई होता है यूनाइटेड अरब एमिरत। ये आपका ऐसा पोर्ट है जो दुनिया में इंसान के द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा हार्बर है, इसको कहते हैं पोर्ट ऑफ जेबिल अली, पोर्ट ऑफ जेबिल अली। अब पूछेंगे आप हार्बर क्या होता है? बेसिकली जो समुद्र के किनारे होता है उसमें काफी सारा एक मिट्टी का नीचे लेयर होता है, जिसकी वजह से अगर हर पोर्ट के ऊपर आपका जहाज उतर नहीं सकता है क्योंकि वो फंस जाएगा। तो ऐसे केस में क्या करते हैं इंसान, वो मिट्टी की जो लेयर होती है उसको कुछ मशीनों की सहायता से हटा देते हैं ताकि जो आपका जो शिप है वो बिल्कुल किनारे तक आ सके। इसी को मैनमेड हार्बर कहते हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा हार्बर मैनमेड वाला कौन सा है? पोर्ट ऑफ जैबल। इसके बाद अगला जाता है कि पोर्ट ऑफ रोटरडम, जो हमने पहले वो भी देख चुके हैं, यूरोप का सबसे बड़ा पोर्ट पोर्ट ऑफ रोटरडम कहलाता है। एक और नाम जो आपको याद रखना पड़ेगा और जो काफी इंपॉर्टेंट है वो है पोर्ट केलांग। ये काफी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये मलेशिया में पाया जाता है, ये चाइनीज टाइप का नाम लग रहा है लेकिन चाइना में नहीं है। यानी अभी हमने देखा दो पोर्ट, पोर्ट ऑफ केलांग मलेशिया में और पोर्ट ऑफ बुसान साउथ कोरिया में, ये दो आपको नाम याद रखने होंगे। इसके बाद आता है पोर्ट ऑफ एंटवर्प। एंटवर्प ये बेल्जियम है, ये पोर्ट ऑफ रोटरडम के नजदीक ही पड़ता है, ये यूरोप का काफी इंपॉर्टेंट है और ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। ताइवान, पोर्ट ऑफ काउशुंग, ये पोर्ट ऑफ काउशुंग पाया जाता है ताइवान में। ये आप देख रहे हैं चाइनीज नाम है, वास्तविकता में ताइवान भी चाइना का ही पार्ट, चाइना लोग ताइवान को चाइना का पार्ट मानते हैं, ताइवान लेकिन खुद को इंडिपेंडेंट कंट्री मानता है, काफी सारी कंट्रीज इस बात को सपोर्ट करती हैं। तो पोर्ट ऑफ काउशिंग जो पाया जाता है ये अचमत ताइवान में पाया जाता है। इसके बाद पोर्ट ऑफ जियामिन चाइना में, ये बिल्कुल चाइनीज नाम है। फिर पोर्ट ऑफ डालियान ये भी चाइना में है। इसके बाद हमने देखा था अमेरिका का सबसे बड़ा पोर्ट कौन था, पोर्ट ऑफ लॉस एंजल्स जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में पाया जाता है। इसके बाद ये अब हम तीसरा नाम ऐसा, यानी हमारे पास अभी चार पोर्ट हो गए जिनका नाम तो चाइनीज है लेकिन वो चाइना में नहीं है। पोर्ट ऑफ तुजांग पेले पास ये मलेशिया में पाया जाता है। इससे पहले हमने एक और देखा है पोर्ट कोलंग, ये देखिए पोर्ट जो हमारा है पोर्ट केलंग, ये भी मलेशिया में पाया जाता है। और इसके बाद पोर्ट पेले पास, तंजुम पेले पास ये मलेशिया में पाया जाता है। ये इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है क्योंकि यहाँ पर स्टेट ऑफ मलक्का और स्टेट ऑफ जोहर के नजदीक पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि अगर इस पोर्ट या इस पोर्ट ऑफ ग्रेट स्टेट ऑफ मलक्का पे कोई अपने चार पांच
शिप के साथ खड़ा हो जाए तो वो दुनिया का करीब 60% जितना भी माल का ट्रांसपोर्ट होता है उसको रोका जा सकता है। हाँ, स्टेट ऑफ मलक्का की खासियत ये है कि ऐसा माना जाता है कि पतला सा संकरा सा रास्ता है। स्टेट की बात करें, स्टेट होता है दो बड़ी जल संधियों को, जल की बड़ी बड़ी, स्टेट का मतलब होता है जल की बड़ी बड़ी संरचनाओं को जोड़ने के लिए जो पतला सा रास्ता जमीन के बीच में से जाता है उसको आप स्टेट कहते हैं। तो स्टेट ऑफ मलक्का इसलिए इम्पोर्टेंट है कि दुनिया का मैक्सिमम जो सामान होता है जो आपका करीब वर्ल्ड का, जो स्टेट ऑफ मलक्का इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर काफी सारा ट्रांसपोर्टेशन होता है। यहीं के इसी के पास में आपको सिंगापुर मिल जाएगा जो इसी के आगे पड़ता है। तो ऐसा माना जाता है कि अगर स्टेट ऑफ मलक्का पे जिसने अधिकार कर लिया वो दुनिया के जितना भी आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट है उस पे उसने कंट्रोल कर लिया, इसलिए इसका इम्पोर्टेंस काफी ज्यादा है। तो आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा ऐसा कौन सा पोर्ट है जो पोर्ट ऑफ स्टेट ऑफ मलक्का के पास में पाया जाता है। तो पोर्ट ऑफ तो जान पेले पास। इसके बाद आता है जर्मनी का एक बड़ा पोर्ट है, पोर्ट ऑफ हेमबर्ग, आप इसको याद रख सकते हैं। इसके बाद एक पोर्ट है जो यूनाइटेड स्टेट में है जो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है पोर्ट ऑफ लॉन्ग बीच, आप इसको भी याद रखें। अब इसके बाद एक फ्यूचर में पोर्ट बन रहा है, पोर्ट ऑफ तूसा, ये सिंगापुर में पोर्ट बन रहा है। जब ये बन जाएगा, जब ये पोर्ट बन जाएगा तब उस एक और नया पोर्ट अब एक है जिसको कहते हैं पोर्ट ऑफ तुषा, ये अभी वर्किंग में है, ये 2021 में कंप्लीट होगा। जब पोर्ट ऑफ तुषा बनेगा तो ये दुनिया का सबसे बड़ा पोर्ट होगा। आइए हम लोग एक बार छोटा सा रिवीजन और करते हैं कि मलक्का के पास सबसे बड़ा पोर्ट कौन सा है। पोर्ट ऑफ तुजांग पेले पास, आपको ये नाम पता होना चाहिए। इसके अलावा मलेशिया का एक और पोर्ट है जिसको कहते हैं पोर्ट ऑफ किलांग, ये आपको दो नाम याद रखने हैं जो चाइनीज नाम है लेकिन आपको अलग से याद रखने हैं। इसके अलावा आपको एक नाम और याद रखना है, पोर्ट ऑफ बुसान। पोर्ट ऑफ बुसान आपका साउथ कोरिया में पड़ता है। इसके अलावा जितने भी नाम हैं जो आपको थोड़े चाइनीज टाइप के लगते हैं और वो चाइना के नहीं हैं, तो आप कभी भी क्वेश्चन में इन तीनों को छोड़ के कोई भी नाम इस टाइप का आए तो आप तुरंत चाइना पे टिक करें। सबसे बड़ा पोर्ट पोर्ट ऑफ शंघाई, दुनिया का सबसे ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का पोर्ट ऑफ सिंगापुर है। सबसे ज्यादा कहाँ से इलेक्ट्रॉनिक सामान जाता है, पोर्ट ऑफ शेंजेन है। और आपसे पूछा जाए मलक्का के पास कौन सा है तो पोर्ट ऑफ पेले पास, आप पहले पढ़ चुके हैं। इसके बाद इंसानों द्वारा सबसे बड़ा हार्बर बनाया हुआ पोर्ट कौन सा है तो पोर्ट ऑफ जेबेल अली है। और यूरोप का सबसे बड़ा पोर्ट कौन है, पोर्ट ऑफ रोटरडम। और साउथ एशिया का सबसे बड़ा पोर्ट कौन सा है, पोर्ट ऑफ केलांग। जो स्ट्रेट के पास है वो पोर्ट पहले पास है और जो आपका साउथ एशिया का सबसे बड़ा पोर्ट है वो आप पोर्ट ऑफ केलांग, दोनों मलेशिया में ही पाए जाते हैं। पोर्ट ऑफ एंटवर्प सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ये बेल्जियम का है। इसके अलावा पोर्ट ऑफ काउंसुंग चाइनीज नाम है लेकिन ये ताइवान में पाया जाता है क्योंकि इंडिया ताइवान को चाइना का पार्ट नहीं मानता है, तो आपको इसी तरह इसको लिखना पड़ेगा। इसके अलावा बाकी जितने भी पोर्ट हैं आपके, चाहे जियामेन हो गए, डालियान हो गए, ये सब के सब चाइना में पाए जाते हैं। इसके बाद पोर्ट ऑफ लॉस एंजल्स आपका यूनाइटेड स्टेट में है। इसके अलावा लॉन्ग बीच, ये भी यूनाइटेड स्टेट में है। सबसे बड़ा जो पोर्ट अब आने वाला है भविष्य में वो आपका पोर्ट ऑफ तुशा में। आइए इन सबको थोड़ा मैप पे भी देखते हैं। ये हमारा इंडिया है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रोटरडम की। ये आप देखेंगे पोलैंड है, ये जर्मनी है, ये जर्मनी में, यहाँ हैमबर्ग है, ये नीदरलैंड है और ये आपका ब्रुसेल्स है। ये इलाका आप देखेंगे सभी कंट्रीज में के काफी अच्छे अच्छे पोर्ट हैं। पोर्ट ऑफ रॉटरडम के बारे में मैं आपको ये बताना चाहूंगा, इसको ये पोर्ट काफी इंपॉर्टेंट किस लिए पड़ता है। ये पोर्ट ऑफ रॉटरडम है,
ठंडकों के टाइम में जब क्या होता है आपका ये नॉर्थ पोल जम जाता है, तो उस समय अगर इन कंट्रीज को, खासकर रशिया हो गया, लिथुआनिया, पोलैंड, इन सबको अगर अपना सामान यूएसए भेजना होता है, तो बाकी सपोर्ट तो किसी काम के रहते नहीं है। आपका जो सबसे बड़ा पोर्ट और सबसे नजदीक पोर्ट बनता पड़ता है वो है पोर्ट ऑफ रॉटरडम, जो ठंडक में भी काम करता है, जिस वजह से ये यूरोप का सबसे बिजिएस्ट पोर्ट हो गया। इसके अलावा ये एंटेवर, ये बेल्जियम का पार्ट है। एंटेवर ये बेल्जियम को दिख रहा है, हालांकि ये नीदरलैंड के बहुत पास है, लेकिन ये उन दोनों की बाउंड्री पे है, कह सकते हैं पोर्ट ऑफ एंटेवर। इसके अलावा हमने एक और पोर्ट देखा था, जर्मनी का पोर्ट, जिसका नाम था पोर्ट ऑफ हैम्बर्ग, ये यहाँ पर पाया जाता है, लेकिन ये ठंडकों में जम जाता है। ये चीज आपको याद रखनी है, जिसकी वजह से पोर्ट ऑफ रेटरडम सबसे बड़ा पोर्ट है। इसका पोर्ट ऑफ बुसान, ये हमारा नॉर्थ कोरिया पड़ता है और ये हमारा साउथ कोरिया पड़ता है, इसके आउटर साइड में पड़ता है आपका पोर्ट ऑफ बुसान। पोर्ट ऑफ बुसान कहाँ पाया जाता है? साउथ कोरिया में। अब हमने कुछ चाइनीज जो पोर्ट से हमें देखना था, तो उसमें एक आपका था डालियान, ये पोर्ट आप देखिए यहाँ पर है। और अगर हम सी की बात करें, कौन सा ये सी होता है, इसको येलो सी कहते हैं, तो येलो सी में आपका पाया जाता है पोर्ट ऑफ डालियान, पोर्ट ऑफ क्विंगडाओ, और आपका यहाँ मिलेगा आपको क्विंगडाओ, ये पड़ा आपका यहाँ पर। और इसके अलावा अगर हम नीचे थोड़ा सा जाएंगे, पोर्ट ऑफ शंघाई, और सी के बगल में आपका पड़ता है निम्बो जोशान पोर्ट, यानी पोर्ट ऑफ शंघाई और निम्बो जोशान पोर्ट, जो हमने आपको नाम बताए थे। इसका आपका जो पोर्ट ऑफ काउशन है, ये आप देखिए, ये ताइवान में आप जाएंगे, ये ताइवान आपका पड़ता है, और आप इसको जब जूम इन करते हैं तो ये काउशिंग रेडी पड़ती है। यहाँ पर जो पोर्ट है आपका पोर्ट ऑफ काउशिंग है, ये काफी अच्छा, देखिए आप स्ट्रक्चर भी उन्होंने काफी अच्छा तैयार किया हुआ है। शिप के लिए आपको ऐसी इन्वायरमेंट चाहिए होती है जहां पर रैंडम लहरों का असर कम हो। इसके अलावा हम लोगों को यहाँ पर हांगकांग में भी जाना पड़ेगा।